और देश भर में सफाई कर्मचारी अपनी जान की परवाह करके आपको बताएं साफ सफाई में लगे हुए हैं। इस लॉकडाउन में उनके पास भोजन तक की सुध नहीं कोई ले रहा है, कई आर्थिक रूप से कमजोर भी है। ऐसे भी आप बता दें कि सफाई कर्मचारी की मदद के लिए कुछ लोग सामने आए हैं, जिसमें सामाजिक संस्थान है, जिसका जायजा लिया है संवाददाता अन्य अमृता ने। पूरे शहर को सैनिटाइज करने में लगे हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना है। और समाज का प्रत्येक वर्ग अगर एक दूसरे के बारे में सोचेगा तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये वो सफाई कर्मचारी हैं जो दिन रात सफाई में हैं, सैनिटाइज करने में लगे हैं। और सरयू राय जी के ऑफिस की तरफ से ऐसे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। कुछ NGOs भी हैं, कुछ समाजसेवी हैं जो इस कार्य में जुड़े हैं। संतोष जी से हम बात करें। संतोष जी, ये भोजन कहाँ से आ रहा है? ये माननीय विधायक सरयू राय जी के आवास से आ रहे हैं। उनका कहना है चाहे पूरब हो चाहे पश्चिम, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसलिए उन्होंने भोजन दिए हैं। हम ऐसे व्यक्ति को खोज रहे हैं जो डेली कमानी खाने वाले हैं और गरीब तत्व है, उन तक भोजन पहुंचाने का हमारा कार्य किया जा रहा है। अब ऐसे व्यक्ति कैसे मिलते हैं, इसकी सूचना कई प्रकार के लोग देते हैं, मीडिया के साथ ही देते हैं। हमारे साथ हिंदुस्तान अखबार के फोटोग्राफर अमजद हैं। ये फेसबुक पर लोगों को इनवाइट करते हैं कि वो अपनी समस्याएं बताएं, और फेसबुक पर कई तरह के जो एक्टिव लोग जो समाज में एक्टिव है इनको सूचना देते हैं कई लोगों के बारे में। अमजद, कैसे आपको सूचनाएं मिलती हैं और फिर आप उसमें कैसे वर्क करते हैं, लोगों तक मदद पहुँचाते हैं? जी, यहाँ पे जब से ये जो लॉकडाउन हुआ है तो उसके बाद से मैं फेसबुक में ये लाइव के द्वारा ये कर रहा हूँ और मैं उसमें नंबर दे रहा हूँ, और जहाँ से मुझे कॉल आता है तो मैं ये मानगो में हो गया, संतोष भाई हो गया, यहाँ पे राजेश जी हो गए, हर किसी से मैं कॉल करता हूँ और वो लोग अपने जरिए से सरयू राय का जो खाना जो हो रहा है वो खाना यहाँ पे ला के दे दे रहे हैं। और मुझे जब कॉल आता है तो मैं वहाँ पर पूछ लेता हूँ कि कितने लोग हैं, उन लोगों का खाना 5 मिनट में वहाँ पर ही पहुँच जाता है। कुछ NGO को भी आप सूचना देते हैं, कई बार हम लोग भी आपको बताते हैं और आपके जरिए फिर लोगों तक मदद पहुँचाते हैं, तो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो जुड़ गई हैं अब आपसे अभियान में? मेरे पास हर कोई है यहाँ पर ही, हम तो ये यहाँ कोई पार्टी का और कोई NGO का नहीं लेंगे नाम, लेकिन जिस एरिया जिस तरफ से मुझे कॉल आता है मैं पहले यही देखता हूँ कि उस एरिया में कौन ऐसा शख्स है जो उन लोगों को खाना खिला दे, मैं उनको कॉल करता हूँ और उनके द्वारा ये खाना मिल जाता है और जो भूखे हैं उनका पेट भर जाता है। सरकार और प्रशासन भी अपनी तरफ से तमाम लोगों तक सुविधाएं पहुंचा रही है, फिर भी कई ऐसी संख्या है लोगों की जिन तक राशन नहीं पहुंच पाता है, कुछ तकनीकी दिक्कतें हो जाती हैं, किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, तो कुछ इस तरह की बातें आती है कई बार सामने, लेकिन ऐसे लोग लगातार सक्रिय रहते हैं। और हम न्यूज़ 11 के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि जो हमारे साथी मीडिया के साथी अमजद है, जो उनके फेसबुक फ्रेंड्स हैं, जो उनसे फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, वो अपने क्षेत्र की कोई भी ऐसी गतिविधि, कोई भी ऐसी कहानी जहाँ उनको लगता है कि कोई भूखे है जिसके पास राशन नहीं है, तो वो अमजद को ये सूचना दे सकते हैं और अमजद के माध्यम से जो विभिन्न संस्थाएं जो जुड़ी हुई हैं वो उन तक मदद पहुंचाएगी। और ये काम लगातार ऐसे कई युवक इस शहर में कर रहे हैं जो बधाई के पात्र हैं। कैमरा पर्सन अमर के साथ अन्य अमृता, न्यूज 11 जमशेदपुर। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।